स्टार्टिंग में एक बात बोल रहे हो, मिसाल के तौर पर आपको इनाम वाली काले आती है भाई, आपका ना 3 लाख रियाल का, 5 लाख रियाल का इनाम लगा, आप बोलते चले फेक बंद कर देते हैं, इस बंदे ने भी ऐसे ही बंद की कॉल। लेकिन बाद में फिर मैसेज आए, फिर कॉल आई पर्सनल नंबर से, उनसे उन्होंने बोला हम वाकया ही आपका ही नाम लगा। ये भाई साहब बेहोश होते होते बचे हैं। अच्छा वैसे एक चीज है, आप प्रदेश में बैठे हुए हैं, आपको आपका मिसाल के तौर पर 50 लाख रियाल का इनाम लग गया है, या एक 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 लाख रियाल का इनाम लग गया है, या 10 लाख का, या 1 करोड़ का, इनका तो भाई बहुत ही आगे का लगा है। चलो मैं इतनी की मिसाल एक सुन लें, एक बंदे का 1 लाख रियाल का इनाम लग गया, भाई पाकिस्तान में कितने बन गए 1 लाख रियाल के? आप खुद, मैं रियाल वाली वीडियो शेयर कर चुका पहले यार, 75 लाख तो बनेगा ही ना, कन्फर्म है ना? अच्छा 75 लाख बन गया यार, 75 लाख बंदा। हम परदेशी क्या सोचते हैं सबसे पहले, या परदेशियों की ख्वाहिशें यही होती, मुझे पता है, घर बनाना है, अपनी शादी करनी, या बहन की शादी करनी, या अम्मी और अब्बू को हज करवाना, या गांव में कोई पलाड़ ले लेंगे, या गाड़ी ले लेंगे। यार परदेशियों की ना ख्वाहिशें यहाँ तक ही महदूद होती हैं। इस भाई ने भी ऐसी ही ख्वाहिशें जाहिर की कि हज करेंगे, उसके बाद गाड़ी लूँगा, घर बनाऊँगा, लेकिन पैसा ही इतना ही, जो कुछ मर्जी करें ख़त्म नहीं होता है। मैं आपको तफसील बताऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई। वैसे ना मेरे पास तो जीरो वाले फिंगर ही, मैं गिन गिन काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 ऐसे गिन गिन कर फिगर लगा रहा हूँ, 0,0,0 यार माशाल्लाह। ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ कर, पाकिस्तानी की मैं बोलता हूँ इसकी तो किस्मत, मैं एक तो किस्मत जाग पड़ी, इसको भी छोड़ दे, मैं बोलता हूँ किस्मत दौड़ पड़ी, ये बोले माशाल्लाह। इतना बड़ा इनाम लगा है ना, और गैर मुल्की है, ये भी सुन ले, अब पाकिस्तान में तो इतना इनाम लग ही नहीं सकता किसी का। हाँ गैर मुल्की है और माशाल्लाह करोड़ों के हिसाब से नाम लगा है, मैं बोलता हूँ करोड़ों से भी आगे खरबों पर बात की है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, सुनाता भी हूँ। ये मैं अभी ना कैलकुलेट करके ये चीज़ देख रहा था कि आपको ना पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से भी ये बात बताऊँ। अच्छा सऊदीया में ऐसा नहीं है वैसे, सऊदीया में लॉटरी वगैरह वाला निज़ाम नहीं है आपको पता है, लेकिन सऊदीया में ये होता है, हैपर पांडा, लोलो मार्केट, उथीम मार्केट, दुबई मार्केट, इन ये जो मार्केट्स हैं ना मुख्तलिफ, ये देती हैं जी ऑफ़र। मिसाल के तौर पर आप आईफोन 15 जीत सकते हैं, आप 50,000 रियाल का इनाम जीत सकते हैं, आप ये गाड़ी जो कि 1 लाख रियाल की है ये जीत सकते हैं, इतनी शॉपिंग करें और वाचर एक लिख कर इस बॉक्स में डालें। ऐसी ऑफ़र तो आपने बेशुमार देखी होगी, मैंने बहुत ट्राई की ऐसी ऑप्शन, ऐसी यानी कि जो स्कीम वगैरह होती है सऊदीया में लगती है, तो भाई कुछ भी नहीं निकला कभी। एक दफ़ा ना दुबई मॉल जो होता है, दुबई मॉल में यकीन कर मैंने बहुत पर्चियां डाली, गाड़ी थी लेकिन कुछ भी नहीं निकला हमारा। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पाकिस्तानी मोहम्मद इनाम इनका नाम है जी, माशाल्लाह किस्मत की देवी मेहरबान हुई, और ये अभी सोच क्या रहे हैं ये, जैसा कि वीडियो स्टार्टिंग में बता चुका हूं आपको मैं, ये अभी वो भी आपको बताता हूं मैं। अच्छा होता क्या है, हुआ क्या कि ये दुबई में इनका इनाम निकला है, इन्होंने ना 15 दरहम की एक लॉटरी, दुबई में लॉटरी चलती है जी, मुख्तलिफ कंपनीज हैं और दुबई की तरफ से मंजूर शुदा है, ऐसा नहीं है कि फेक वाला मामला है या धोखे, नहीं ऐसा नहीं है। 15 रियाल की लॉटरी ये हर दफ़ा लेते थे और 2021 से ले रखे हैं, ये भी अपने जहन में रखिएगा, अभी 2024 का अख्ताम हो रहा है, सॉरी 2024 शुरू हो चुका है, तो भाई ये 2021 से ले रखे थे और हर दफ़ा लेते थे 15 दिन के बाद, तो इनका इनाम नहीं निकला, अभी अल्लाह ताला की ज़ात ने इनकी सुन ली है और इनका जो इनाम लगाया जी वो 1,50,00,000 दरहम। मैं रियाल की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी रुपए की बात नहीं कर रहा, 1,50,00,000 दरहम की बात कर रहा हूँ मैं, दरहम रियाल से भी बेहतर है। अच्छा इसको अगर कैलकुलेट कर लें, ये 1,50,00,000 दरहम को, और इस वक्त पाकिस्तान में 76.5 के अराउंड में है दरहम, आप अगर वहाँ से भी सेंड करें तो वहाँ से भी तकरीबन 75-76 रुपये रेट तो लगेगा, कन्फर्म बात है। अगर इस वक्त इस चीज़ को कैलकुलेट करें 76 रुपये के हिसाब से एक दरहम को, तो भाई पता कितने पैसे बनते हैं, करोड़ों में नहीं है, 1,14,00,000,000 जी, 22,14,00,000,000 एक तरफ, 1,00,000,000,000 एक तरफ, ये भाई साहब का इनाम लगा है। और इन्होंने जो ख्वाहिशें जाहिर की हैं वो मैं आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, माशाल्लाह मैं बोलता हूँ इनकी आने वाली नस्लें भी बैठकर खाएंगी तब भी ये पैसा ख़त्म नहीं होगा। तो अल्लाह ताला की ज़ात हर परदेसी को नवाजे, चाहे कोई मेहनत करके कमा रहा है मेरा भाई, या चाहे जैसे भी, या मिसाल के तौर पर ठेका वगैरह लिया हो, जो भी अपना काम है, तो अल्लाह ताला की ज़ात सब परदेशियों को नवाजे। और पीछे मैं ये बात बोलूँगा, पीछे बैठी गवर्नमेंट को थोड़ी हिदायत दे कि परदेशियों के हक में कुछ सोचे।